हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग। वो हमेशा हम लोग करते हैं, उसमें कोई नया नहीं है, बट आज कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे बिकॉज आई वॉज प्लानिंग। आप जैसे आप लोगों को पता है, मेरे पास हीरो इम्पल्स है, उसकी जो फुट पैक्स है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो व्हाट हैपेंस ना, जब चला लाइक बूट्स वगैरह पहन के आप जब बाइक चलाते हो तो नीचे से लगता नहीं कुछ है करके। सो उतना कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं होता वाइल राइडिंग। सो आई वॉज प्लानिंग के सो कुछ नया कुछ चेंज करे। आई वॉज ट्राइंग टू गेट इट इम्पोर्ट, बट द कॉस्ट ऑफ द पैग्स आर वेरी हाई। सो आई डिड सम रिसर्च ऑन लाइक यू नो परचेसिंग और नॉट टू परचेस। सो फाइनली ये कंक्लूजन में पहुंचा कि हम लोग खुद उसको डिज़ाइन करेंगे। इतना कुछ कर लिया तो ये भी कर देंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। सो आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसका फोटो यही आसपास कहीं दे देता हूँ। दिस इज द स्टॉक वन और दिस इज द आफ्टर मार्केट वन। सो दोनों को कंपैरिजन देखोगे आप, बहुत छोटे और काफ़ी बड़ा है। सो उसे डिज़ाइन करते हैं और उसके लिए क्या क्या चाहिए। हमेशा व्हाट वी डू, कार्डबोर्ड, सीजर एंड पेन। यूजुअली क्या होता है ना, मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ कार्डबोर्ड बिकॉज मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स होता है ना तो उसको लाइक विजुलाइज करता हूँ, उसको प्रैक्टिकली कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश। तो इसके लिए सबसे पहले फार्मा लेता हूँ मैं, एक कार्डबोर्ड लेके उसके ऊपर फार्मा डिज़ाइन कर लेता हूँ। फार्मा डिज़ाइन करके ईजी होता है, आपको समझ में आता है कि आपको क्या एक्चुअली चाहिए। सो बेसिकली इट विल हेल्प कि आपका जो फाइनल रिजल्ट जो होता है ना वो बहुत जैसे आपके दिमाग में वही आता है। सो यूजुअली क्या होता है, हम अगर मेटल पे बना लेते हैं उसको डिज़ाइन करते हैं फिर कुछ चेंजेस करते हैं तो फिर होता नहीं पॉसिबल। तो ये बेस्ट वे है। सो आई प्रेफर दिस रादर देन डायरेक्टली करने से अच्छा है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। एंड होप यू गाइस गोइंग टू एंजॉय दिस। सो स्विच करते हैं एंगल को कैमरा के और स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? So guys, finally ban gaya hai hamara jo footpeg tha। कैन सी ये कार्डबोर्ड है, उसको जिस तरीके से कट किया आपने देखा होगा, उसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया। यहाँ पे इसको वेल्ड करना है, जो स्टॉक अपना जाता है बेसिक स्ट्रक्चर उसको वेल्ड करना। और ये है लाइक यू नो कैन सी स्पाइक्स, जो इस पर अगर पैर रखोगे तो बूट्स वगैरह हो गए तो उसको प्रॉपर ग्रिप मिलेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी दिस शार्प, थोड़ा सा और फ्लैटन करिए ताकि फ्यूचर में सपोज पैर वैर को लगे नहीं, कुछ नहीं हो तो कुछ डैमेज नहीं करे या हर्ट नहीं करे। बेसिकली ऐसे होगा ऐसे। जो प्लेट है 7 mm की ले लेंगे हम, और ये है 3-4 mm की ले लेंगे ताकि बेंड करने में थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि ये सर्कुलर है तो यहाँ पे प्रॉपर शेप आना चाहिए। सो हम इट्स गोइंग टू बी लाइक यहाँ पे ऐसे रखेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे और उसको ऐसे देंगे। सो यू कैन सी परफेक्ट, ये ऐसे होगा। सो बेसिकली फार्मा बांध का यही फ़ायदा कि हमको जो चाहिए जैसा चाहिए वो एक सर्टन टाइम में मिल जाता बनके। वो डिज़ाइन हमारा जो विजुलाइज है, हमारे जो दिमाग में जो आइडियाज थॉट्स है वो एक्चुअली प्रैक्टिकली शेप ले लेता है। तो उसके फाइनलाइज हम करते हैं कि अब कैसे करना है, क्या करना है उसे। तो मैं तो सारा कर लिया फाइनल इसे, इसे ऐसे करके ऐसे, और ये बैक साइड से मेटल का स्पॉट्स वेल्डिंग कर देंगे ताकि ये हो जाए। तो यहाँ पे जब आपका पैर होगा इतने चौड़े है, इट्स अराउंड ऑलमोस्ट 2 inch का और 1.5 inch ब्रॉड ही है। सो बेसिकली इस पर जब फुट रखोगे तो एकदम प्रॉपर बूट्स वगैरह एकदम प्रॉपर ग्रीप हो गई, स्लिप नहीं होगा। सो अब चलते हैं, जो मेरा फ्रेंड है उनका वर्कशॉप है, ही इज़ अ फैब्रिकेटर बेसिकली। सो उसके काफ़ी सारी मशीनरी थे, वी रिक्वायर हैंड ग्राइंडर, वेल्डिंग मशीन, कटर, तो उसको शेप देना है। सो वो सारा काम वहीं पे करेंगे। सो लेट्स गो देयर एंड जो भी है तामझाम रिकॉर्ड करते हैं।
So guys, I have just reached to my friend's shop. अभी फिलहाल पहुंचा हूं मैं यहां पे, अभी just waiting for him. जैसे वो आता है वैसे अपना जो काम है वो सारा स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या सारी चीज़ें लाइक यू नो लगेगी हमको, क्या क्या मटेरियल लगने वाला, वो सारी चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो के थ्रू और ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, एक्सप्लोर करवा सकूँ मेरे काम को, सबको ज़्यादा ज़्यादा ईजी हो जाए समझने के लिए. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द वर्क, फिर आपको बनने के बाद फिर वापस एक बार ब्रीफ कर दूंगा मैं, ठीक है. सो एंगल स्विच करते हैं और स्टार्ट करते हैं. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way.
फाइनली सारा काम वाम खत्म हो गया है और उसका फाइनल एकदम आउटपुट रिजल्ट आ गया है एंड यू कैन यू डोंट बिलीव इट. हैव अ लुक दिस. कैसे लगा? क्लोज आई एम नॉट श्योर दैट आप लोगों को इतना क्लियरली पता चल रहा है नहीं चल रहा है, बट दिस इज हाउ इट्स मेड. ये जो प्लेट यूज़ की है दैट इज 7 mm का. इसके ऊपर जो ये स्पाइक्स के लिए जो यूज़ किया है दैट इज 3-4 mm का रहेगा. उस यूज़ किया ताकि ये पतला यूज़ किया ताकि ये फोल्ड होने में ईजी हो जाए ताकि ये प्रॉपर शेप आ जाए. उसको फिर फिक्स करने के लिए यहाँ पर स्पॉट्स वेल्डिंग दिए हुए हल्के हल्के. इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली वेल्डेड फ्रॉम योर. और ये जो पोर्शन है इसको फ्लैट रखा हुआ है, इसको यहाँ से निकाल के अपना जो स्टॉक जो फुटरेक्स है उसके हिसाब से उसको वहाँ पे वेल्ड करना है. सो इट विल बी लाइक ऐसा रिट्रैक्टेबल रहेगा, जैसा स्टॉक आता है तो गिरने का टूटेगा वोटेगा नहीं वो. सो दिस इज़ हाउ इट्स लाइक फाइनली बन गया है. काफ़ी अच्छा लगा. ये सारा काम फार्मा का है. फार्मा का हम लोग प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं करते तो ये बनना बहुत ही मुश्किल था. पॉसिबल तो है बट मुश्किल हो जाता. फार्मा से इट बिकम वेरी ईजी. सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इन्जॉय किया रहेगा, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और कोई ईजी भी हो गया रहेगा. एंड थैंक यू. इसको वीडियो को ये भी ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव सपोर्ट. और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए. काफ़ी सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो वीडियोज़ देख रहे हैं बट लेकिन दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग. सो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे जिसकी मर्जी, कोई इशू नहीं है. अपना जो काम है हम करते रहिए और बाकी तो ऊपर वाला बैठा है यार. सो सी यू सून देन. मिलते हैं फिर अगले बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच.